स्वागत है प्रिय दर्शकों, आप सभी का अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक खास विषय को लेकर के। रेंटल हाउस में आप लोग यदि रहते हैं, आप हाउस चेंज करना चाहते हैं, अपने घर को बदल रहे हैं, किराए पर रहते हैं, ऐसे में बहुत सारे दर्शकों के मुहूर्तों की वीडियोज़ में देख करके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि यदि हम रेंट के घर पर रहते हैं, आप किराए के मकान पर रहते हैं, हम मकान बदलना चाहते हैं, तो हमें उसके वास्तु के अनुसार, क्योंकि हम वहाँ तोड़फोड़ नहीं कर सकते, अपने अनुसार हम बदल नहीं सकते, लेकिन खासकर किन बातों का ध्यान रखना होगा यदि आप किराए के मकान पर रहते हैं तो, या फिर आप किराए का मकान बदल रहे हैं। मैं आज आप इस वीडियो में आपके साथ इसी खास चर्चा को लेकर के बात करूँगा। हमें दो तीन चीज़ें खासकर देखनी चाहिए यदि हम किराए के मकान पर जा रहे हैं तो। एक बात सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या वास्तव में हमारा जो किचन है जहाँ पर हम लोग खाना बनाएंगे, क्या वो प्रॉपर स्थान पर बना हुआ है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किचन किचन के स्थान पर ना बन करके किसी और स्थान पर बना हो जहां अनिष्टकारी हो सकता है। क्योंकि भोजन कहां बनता है? किचन में बनता है, और भोजन से ही हमारा मन का निर्माण होता है, अस्तित्व और मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसलिए यहीं से भाग्य लिखना शुरू होता है। इसलिए खासकर हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा किचन, टॉयलेट और मंदिर, ये तीनों चीज़ें प्रॉपर स्थान पर होनी चाहिए। यूं तो मैं वास्तु को लेकर के बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उनको चेक कर सकते हैं और अपने अनुसार देख भी सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप किराए के मकान पर जा रहे हैं, किराए के मकान को आप चेंज कर रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। किचन खासकर आपके आग्नेय कोण में ही होना चाहिए या फिर पूर्व में होना चाहिए, पूर्व या उत्तर, पूर्व या दक्षिण के बीच, आग्नेय या पूर्व में होना चाहिए, उत्तर में भी चल सकता है, लेकिन खासकर साउथ में आपका किचन नहीं होना चाहिए, नैऋत्य कोण में आपका किचन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा टॉयलेट की बात है, या फिर खासकर मंदिर की हम बात कर लेते हैं, मंदिर आपका ईशान, पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। तो ये दो तीन चीज़ें खासकर है, टॉयलेट आपका नैऋत्य में ही होना चाहिए या फिर दक्षिण के किसी एक भाग में हो सकता है। इसलिए अगर आपकी इस अनुकूल से यहाँ पर ऐसा अनुकूलता यहाँ पर नहीं है, उसमें कुछ चेंजिंग है, तो आपको करना क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ एक स्वस्तिक का जो है अपने घर में एक स्वस्तिक लगा सकते। इसके अलावा आप पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत स्फटिक संयंत्र की अपने घर में जरूर स्थापन करें, उसकी स्थापना आपको करनी चाहिए। स्फटिक संयंत्र सामने आपके रखे हुए हैं, आप इस आधार पर देख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ में महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए स्फटिक संयंत्र बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए यदि आपके किराए के घर पर इस प्रकार की समस्या है, तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा, या फिर श्वेतार्क को आप अपने घर के दरवाजे पर लगाएं, तेजमल को भी आप अपने घर में रख सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी खास आज की वीडियो में, जो लोग किराए पर घर को बदल रहे थे उसकी संपूर्ण जानकारी। इसके साथ ही आप अध्यात्म और ज्योतिष पर तमाम मुहूर्तों की वीडियोस के साथ साथ में अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस को भी देखते हैं। यदि आप नए दर्शक हैं और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो आपको मैं बता दूं, इसके साथ ही आप हमारे संस्थान से, अध्यात्म और ज्योतिष संस्थान ऋषिकेश से, आप जो है ज्योतिष सलाह के अलावा आप हस्तनिर्मित जन्मपत्री बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी कोने में रहते हैं और आप वैदिक आचार्यों से कोई अनुष्ठान आप करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं, वैदिक आचार्य आपके यहाँ भेज करके आपका कार्य संपन्न करवाया जाएगा। आप सभी दर्शक बने रहें, देख रहे हैं अध्यात्म और ज्योतिष।